वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस वी तासु। 69 बीपीसी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है घटना चक की प्रैक्टिस बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 का लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जनवरी 2023 में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विक्टरसन ने जीता, उन्होंने फाइनल में हराया। तो दोस्तों, उन्होंने फाइनल में हराया विक्टर एक्सेलसन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2022 में पेटा इंडिया के द्वारा किसे वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनाक्षी सिन्हा जी को। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। 23 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक भारतीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया मावलपुरम में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के एक विद्रोही समूह ZUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति का समझौता हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य का। 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर राज्य के एक विद्रोही समूह ZUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, यह किस आतंकी संगठन का मुखौटा समूह है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लश्कर ए तैयबा का। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, यह आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और तीसरा कथन है भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान एवं सोमालिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ज्ञातव्य है कि भारत सूचकांक में सम्मिलित 180 देशों में 50वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ओडिशा शहर के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को के लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, ओडिशा शहर है यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2023 में यूक्रेन के ओडिशा शहर के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को के लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने साइट्स कॉप 19 की मेजबानी की है। साइट्स कॉप 19 की मेजबानी की है पनामा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग रिजर्व संरक्षण किस राज्य में बनाया जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेप, ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रोसेप को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। पान मसाला तंबाकू पर केंद्र के द्वारा निर्धारित अधिकतम जीएसटी उपकर सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दो कथन सही है। तंबाकू के लिए उपकर दर 4170 रुपये प्रति हज़ार स्टिक प्लस 290% यथा मूल या प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल का 100% निर्धारित किया गया है, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। पान मसाला के लिए अधिकतम जीएसटी मुआवजा उपकर दर प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल का 70% होगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। पान मसाला सिगरेट पर जीएसटी मुआवजा उपकर की अधिकतम दर को सीमित करने के लिए सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन किया। सरकार द्वारा जारी यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। पान मसाला के लिए अधिकतम जीएसटी मुआवजा उपकर प्रति इकाई खुदरा बिक्री मूल्य का 51% होगा, न कि 70%। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश के रिजर्व बैंक के द्वारा गोल्ड पैग डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी? तो दोस्तों वह देश है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को भारत और डैश भारतीय रुपये INR में व्यापार का निपटान करने पर सहमत हुई है। तो दोस्तों वह देश है मलेशिया। 1 अप्रैल को भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार का निपटान करने पर सहमत हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया गया पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस IIT में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह IIT संस्थान हो जाएगी IIT पटना, ऑप्शन नंबर बी। IIT पटना में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल संरक्षण के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? घड़ियाल संरक्षण के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में समझौता किया है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट तथा लॉस एंजल चिड़ियाघर के साथ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पायराइट्स के सर्वाधिक भंडार हैं? भारत के जिस राज्य में पायराइट्स के सर्वाधिक भंडार है वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। भारत के कुल पायराइट्स का लगभग 95% भंडार बिहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 68.8%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात है 68.8%। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार प्रारंभ किया? तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार आरंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल सदस्य देश है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एंटोनियो गुटेरस के द्वारा स्थापित खास सुरक्षा संकट ऊर्जा वित्त जैसी वैश्विक समस्या के निवारण हेतु स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जुलाई 2023 से इंडिया पोस्ट और किस देश के पोस्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकर्ड पैकेट सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों वह देश है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। 1 जुलाई 2023 से इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकर्ड पैकेट सेवा यानी कि ITPS आरंभ हुई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, IBA ने ARC के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कितने सदस्यीय कार्य समूह गठन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्यीय समूह का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईरान संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का पूर्ण सदस्य कब बना?
ईरान शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का पूर्ण सदस्य बना 4 जुलाई 2023 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 जुलाई 2023 को ईरान शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया अस्थायी सदस्य बन गया। ज्ञातव्य है कि 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में हुए ऑनलाइन शंघाई शिखर सम्मेलन में ईरान को सदस्यता प्रदान की गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में घोषित विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित समर्थन कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इसमें समान धान की MSP 2183 रुपये घोषित की गई है, जबकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें मूंग की न्यूनतम MSP 7500 रुपये घोषित की गई है, जो कि गलत दिया गया है। मूंग के लिए 8558 रुपये MSP की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में से शीर्ष स्थान पर है अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान कितना है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 31 मई 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान 72% है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में जारी एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम यानी कि परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो दोस्तों वह देश है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2023 को फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के 10 उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तत्व सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। इस सूची में गोल्फर फील मैकेलसन छठे स्थान पर है, जो कि गलत कथन दिया गया है। इस सूची में गोल्फर फील मैकेलसन 7वें स्थान पर है, ना कि 6ठे स्थान पर। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। वर्ष 2023 की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष 3 में से फुटबॉल खिलाड़ी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किस में सर्वप्रथम प्रथाओं को लागू करने के लिए GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार नीति और विनियमन के लिए। भारत ने GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वप्रथम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत ने पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लीगो इंडिया के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। लीगो इंडिया इटली के विर्गो और जापान के कागड़ा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा। लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो ने डैश में वैमानिकी परीक्षण रेंज से दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रदुर्ग से, जो कि कर्नाटक में है। इसरो ने दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मिशन को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 5 जून को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत डैश को हरी झंडी दिखाई। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमवी एम्प्रेस को। अगला प्रश्न देखते हैं, डार्क मैटर का पता लगाने के लिए यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। डार्क मैटर का पता लगाने के लिए यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया, इस संबंध में कथन सही हो जाएगा। यूक्लिड नामक दूरबीन, जिसका नाम ज्यामिति के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, मिशन अंधेरे ब्रह्मांड के 2 मूलभूत घटकों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं केवल राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में असत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही हैं। राज्यसभा जो कि यह कभी भंग नहीं की जा सकती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। राज्यसभा के विषय में जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं हो सकता है, जो कि सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राजसूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विधेयक को राज्यसभा में पहली बार पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वह विधेयक है धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है राज और एक तरफ दिया गया है राज्यसभा में स्थान। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा बिहार, बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं, बाकी दोनों गलत दिए गए हैं। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 16 है तथा गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले शून्यकाल को किस देश से ग्रहण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत देश से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, अंतः उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक शब्दावली नहीं है? जो संवैधानिक शब्दावली नहीं है वह है बजट, ऑप्शन नंबर सी। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक तथा अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 इसके प्रथम सचिव कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष थे एफजी सलाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया गया है आपका अभयारण्य का नाम और एक तरफ दिया गया है उनकी अवस्थिति। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण, जो कि गलत दिया गया है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है, बाकी दोनों सही दिए गए हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सरकार को सर्वाधिक धन किस मद से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक फसल संघनता वाला जिला कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में सर्वाधिक फसल संघनता वाला जिला है शिवहर, ऑप्शन नंबर ए, जबकि न्यूनतम फसल संघनता वाला जिला है गया। बक्सर सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्र वाला जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में नेशनल हाईवे की न्यूनतम लंबाई वाला जिला कौन सा है? बिहार में नेशनल हाईवे की न्यूनतम लंबाई वाला जिला है शिवहर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत दिए गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग पर केंद्रित था। दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति की साक्षी बनी, जो कि गलत कथन दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित रही, जैसे कि लौह इस्पात, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में जो कि राजसूची के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है? भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो में सम्मिलित विषय हो जाएंगे, कारागार, पुलिस, कृषि तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, एक तथा तीन दोनों कथन सही है। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा घोषित किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है, जबकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 के सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम तथा हांगकांग को द्वितीय स्थान दिया गया है। भारत का स्थान इस वर्ष 116वां रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर किया गया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर किया गया है 74%। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध को दर्शाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब्रिज वक्र से। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्ध के स्तर के बीच आरेखीय संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र को वेब्रिज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र आय के वितरण में व्यापक विषमता को दर्शाता है। गिनी गुणांक आय के वितरण में व्यापक असमानता का सांख्यिकी माप करता है। लाफर वक्र का संबंध करारोपण से है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के विभिन्न सिद्धांतों को सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा दो से, असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया था। बी का मिलान हो जाएगा एक से, संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नगर्स ने दिया था। सी का मिलान हो जाएगा तीन से, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। डी का मिलान हो जाएगा चार से, आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत लेवेस्टिन ने दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा चार से, एटना ज्वालामुखी सिसली में पाई जाती है। बी का मिलान हो जाएगा तीन से, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा एक से, येरिबस ज्वालामुखी रॉस द्वीप पर है। तथा डी का मिलान हो जाएगा दो से, कोटोपेक्सी का इक्वाडोर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है।
चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा दो से। माउंट किनाबालू जो कि मलेशिया में स्थित है। बी का मिलन हो जाएगा चार से। अलबुर्ज ईरान में स्थित है। सी का मिलन हो जाएगा एक से। एकांगागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। डी का मिलन हो जाएगा तीन से। किलिमंजारो का तंजानिया से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका ज्वालामुखी और एक तरफ दिया गया है देश का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलन हो जाएगा दो से। सवनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। बी का मिलन हो जाएगा एक से। माउंट एटना इटली में स्थित है। सी का मिलन हो जाएगा चार से। कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। डी का मिलन हो जाएगा तीन से। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वह तरंग है पी एस और एल। ऑप्शन नंबर ए, पी यानी कि प्राइमरी, एस यानी कि सेकेंडरी और एल मतलब यानी कि धरातलीय यानी कि सरफेस वेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। यूरोप में 51 है। एशिया में 50 है। उत्तरी अमेरिका में 23 है तथा दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ऑप्शन के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका स्थलाकृति और एक तरफ दिया गया है महाद्वीप। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलन हो जाएगा चार से। अकांगागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। बी का मिलन हो जाएगा तीन से। मेसेटा का फटार यूरोप में स्थित है। सी का मिलन हो जाएगा दो से। सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में है तथा डी का मिलन हो जाएगा एक से। गिब्सम डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, सिलिकॉन घाटी जो कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यह अवस्थित है। तो दोस्तों यह अवस्थित है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन वैली सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के हब के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन अलोह खनिज के उदाहरण हैं। अलोह खनिज के उदाहरण हो जाएंगे सोना, तांबा तथा सीसा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अलोह खनिज वे होते हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। उपयुक्त खनिजों में से सोना, तांबा एवं सीसा अलोह खनिज के उदाहरण हैं, जबकि क्रोमाइट लोह खनिज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कालगुडली एवं कुलगाडी जहाँ सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है यह स्थित है। कालगुडली एवं कुलगाडी जहाँ सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है यह अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन सही है। एक तरफ है परमाणु ऊर्जा केंद्र और एक तरफ है राज्य। तो दोस्तों जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में स्थित है। बाकी दोनों गलत दिए गए हैं। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है तथा रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न लिखते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा सतह के निकट स्थित खनिजों को आसानी से खोदकर निकाला जाता है। तो दोस्तों वह प्रक्रिया का नाम है आखनन। ऑप्शन नंबर बी, आखनन जो कि सतह के निकट स्थित खनिजों को आसानी से खोदकर निकाला जाता है, जबकि विविध खनन में मातपड़ी सतह हटाकर खनिजों को निकाला जाता है। कोकी खनन में कुएं खोदकर अथवा गहरी खुदाई कर खनिजों को निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है झारखंड से, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, सलाल पुरोजना रावी नदी, जो कि गलत दिया गया है। सलाल पुरोजना जम्मू और कश्मीर की पुरोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है, न कि रावी नदी पर। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर है। पोचमपाद पुरोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण नदी यानी कि बहते जल द्वारा नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीरिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? सीरिया की सीमा नहीं लगती है ईरान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। टर्की, इराक व लेबनान की सीमा सीरिया से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील में प्रसिद्ध कहवा रेल कहां से कहां तक चलती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में प्रसिद्ध कहवा रेल चलती है साओ पोलो से सेंटोज के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है उज्बेकिस्तान की सीमा, ऑप्शन नंबर बी। उज्बेकिस्तान एक स्थलरूढ़ देश है, जबकि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है तीर्थकर और एक तरफ दिया गया है उनके संज्ञान। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा सी से, पार्श्वनाथ का जो कि प्रतीक चिन्ह सर्प था। बी का मिलान हो जाएगा एक से, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। सी का मिलान हो जाएगा दो से, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तथा डी का मिलान हो जाएगा चार से, शांतिनाथ का हिरण से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पर हो जाएगा अभिनंदन, फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा पद्म प्रभ, फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा विमलनाथ और अंतिम में हो जाएगा मुनि सबुतनाथ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्म के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सियादवाद सिद्धांत है? तो दोस्तों सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आचार्य और एक तरफ दिया गया है उनका सिद्धांत। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा तीन से, पाशुपत का लकुलिस से। बी का मिलान हो जाएगा दो से, सूनवाद का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। सी का मिलान हो जाएगा चार से, जैन का भद्रबाहु से। तथा डी का मिलान हो जाएगा एक से, गोसाल का आजीवक से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। नैनार कौन थे? तो दोस्तों नैनार थे सैब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस का वेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्तांतरी में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागवत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। आपको क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा रजिया सुल्तान,
फिर इसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर इसके बाद हो जाएगा शेरशाह सूरी और लास्ट में हो जाएगा अकबर। रजिया सुल्तान का शासनकाल जो कि 1236 लेकर 1240 ईस्वी तक था, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था, शेर शाह का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक था, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ दिया गया है युद्ध और एक तरफ दिया गया है उनका वर्ष, चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलन हो जाएगा दो से, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। बी का मिलन हो जाएगा एक से, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। सी का मिलन हो जाएगा चार से, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। डी का मिलन हो जाएगा तीन से, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा, आपको क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा फिरोज तुगलक की मृत्यु, तीसरे नंबर पर हो जाएगा पुर्तगाली का भारत में आक्रमण और अंतिम में हो जाएगा विजयनगर कृष्णदेवराय का शासनकाल। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया ऐबक ने तथा पूर्ण किया इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में, पुर्तगाली का भारत आगमन 1498 ईस्वी में, कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरे नंबर पर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा अफगान षड्यंत्र और लास्ट में हो जाएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्ययुग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है, तो दोस्तों जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, मत विलास प्रश्न के लेखक महेंद्र बड़वंत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलन हो जाएगा चार से, प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। बी का मिलन हो जाएगा एक से, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सी का मिलन हो जाएगा दो से, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, तथा डी का मिलन तीन से हो जाएगा, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, इसका आधा प्रश्न थोड़ा नीचे चला गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलान करते हैं, एक का मिलान हो जाएगा आपका तीन से, आयने दशाला से, आयने दशाला परती जो कि अकबर ने शुरू की थी। बी का मिलान हो जाएगा चार से, यानी कि मोहम्मद तुगलक का हो जाएगा प्रतीक मुद्रा से। सी का मिलान हो जाएगा आपका दो से, यानी कि इल्तुतमिश का हो जाएगा आपका चहलगानी अमीर से। और डी का मिलान हो जाएगा एक से, शेरशाह का हो जाएगा आपका सराय के आजम से। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव जो कि पश्चिम बंगाल में थी, जो सबसे लंबी थी तथा सराय के आजम के नाम से जानी जाती थी, प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आयने दशाला परती का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगानी अमीर यानी कि तुर्क के चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ दिया गया है आपका समाचार पत्र और एक तरफ है संपादक का नाम, चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलन हो जाएगा चार से, काल समाचार पत्र का संपादक थे शिवराम महादेव प्रांजपे। बी का मिलन हो जाएगा एक से,
बंगाली समाचार पत्र का संपादक थे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी। सी का मिलान हो जाएगा दो से, सुधारक समाचार पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तथा डी का मिलान हो जाएगा तीन से, सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है आपका समाचार पत्र और एक है प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा तीन से, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के जो कि फिरोजशाह मेहता ने शुरू की थी। बी का मिलान हो जाएगा एक से, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू की थी। सी का मिलान हो जाएगा दो से, लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट की थी। डी का मिलान हो जाएगा चार से, सर्च लाइट समाचार पत्र की शुरुआत सचिनानंद सिन्हा ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है समाचार पत्र और एक है आरंभ करने वाले प्रकाशक। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा एक से, लीडर समाचार पत्र आरंभ करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। बी का मिलान हो जाएगा दो से, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र शुरुआत की थी फिरोजशाह मेहता ने। इंडिपेंडेंट का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू से, यानी कि सी का चार से। तथा डी का मिलान हो जाएगा तीन से, जस्टिस समाचार पत्र शुरू की थी टीएम नायर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दो से, अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू की थी। बी का मिलान हो जाएगा एक से, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र फिरोजशाह मेहता ने स्टार्ट की थी। सी का मिलान हो जाएगा चार से, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। तथा डी का मिलान तीन से हो जाएगा, यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी ने शुरू की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है समाचार पत्र और एक है संस्थापक के नाम। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, तहजीब उल अखलाक के मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गलत दिया गया है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में लिखी गई मैगजीन थी, जबकि दोनों सही दिए गए हैं। अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक थे एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों जो जोड़ा गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी द पायनियर, जो कि गलत दिया गया है। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं, अल हिलाल मौलाना आजाद, केसरी लोकमान तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, जो कि गलत दिया गया है। केसरी बाल गंगाधर तिलक से तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए सुशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा एक से, न्यू इंडिया का बिपिन चंद्र पाल से। बी का मिलान हो जाएगा तीन से, बी का मिलान आपका तीन से हो जाएगा, वंदे मातरम का अरविंद घोष से। सी का मिलान हो जाएगा चार से, संध्या का ब्रह्माबाध्या उपाध्याय से। डी का मिलान हो जाएगा दो से, कामरेड का मोहम्मद अली से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ है एडिटर्स और एक तरफ है समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा चार से, द सोशलिस्ट समाचार पत्र के एडिटर थे ऐसे डांगे। बी का मिलान हो जाएगा एक से, नवयुग समाचार पत्र के एडिटर थे
मुजफ्फर अहमद सी का मिलान हो जाएगा। 3 से लेबर किसान गजट समाचार पत्र के एडिटर थे गुलाम हुसैन। डी का मिलान हो जाएगा 4 से द सोशलिस्ट समाचार पत्र के एडिटर थे एम सिंगरवेली। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, उपयुक्त कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले पुणे में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संस्था और एक तरफ है प्रवर्तक। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी सेवा समिति लाला लाजपत राय, जो कि गलत दिया गया है। सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा शुरू की गई थी। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रवर्तक थे जीके गोखले। सोशल सर्विस लीग के प्रवर्तक थे एनएम जोशी। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। लड़कियों के लिए 14 तथा लड़कों के लिए 18। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी से बनी एनी बेसेंट संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से वन संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से सब्जियों का कृषि ओलेरिकल्चर में किया जाता है अध्ययन। सी का मिलान हो जाएगा 4 से फलों की कृषि पोमोलॉजी में तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से मत्स्य पालन पीसी कल्चर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। अनंत, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था बोहलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। थायरोक्सिन की कमी से मिक्सीडमा रोग होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है शारीरिक अंग और एक तरफ है अस्थि का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 2 से फीमर हड्डी जांग में पाई जाती है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से पटेला घुटना में पाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से कार्पस हड्डी कलाई में पाई जाती है तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से मेलियस हड्डी, जो कि कर्ण अस्थियां में पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है।
एक तरफ है हार्मोन और एक तरफ है ग्रंथि का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं, एक का मिलन हो जाएगा दो से, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि मेडुला ग्रंथि से संबंधित है, बी का मिलन हो जाएगा तीन से, कैसीटोनिन हार्मोन का संबंध है पड़ा अपटू ग्रंथि से, सी का मिलन हो जाएगा चार से अंडाशय का रिलैक्सिन हार्मोन से, तथा डी का मिलन हो जाएगा एक से पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा एसटीएच हार्मोन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ है रोग और एक तरफ है तत् की कमी। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, आम का लिटिल लीफ बोरोन जो कि गलत दिया गया है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है न कि बोरोन की कमी से, बाकी दोनों सही दिए गए हैं। मटर में मार्स रोग मैग्नीज से होता है, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल गैस का अव्यय नहीं है, जल गैस का अव्यय नहीं है मीथेन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस। अगला प्रश्न है, पाइलोरी ग्रंथियां पाई जाती है, पाइलोरी ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका शरीर के किस अंग का भाग है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय का। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं, एक का मिलन हो जाएगा एक से, सबसे बड़ा आर्वत ब्रिज यूकेलिप्टस हो जाएगा, बी का मिलन हो जाएगा तीन से, सबसे लंबा ब्रिज सिकोया, सी का मिलन हो जाएगा चार से, जंगल की आग को ढाक कहते हैं, डी का मिलन हो जाएगा दो से, सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजा की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक कारणों से नहीं होता है, जो रोग आनुवांशिक कारणों से नहीं होता है वह है डिप्लोपिया, ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोपिया आनुवांशिक रोग नहीं है, यह आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत कथन चुनिए, इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए में थायमिन बेस की जगह यूरेसिल आ जाता है जो कि गलत कथन दिया गया है, यूरेसिल बेस आरएनए में पाया जाता है न कि डीएनए में, बाकी दोनों सही दिए गए हैं। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं, आरएनए में केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दो तथा तीन तीनों के तीनों सही कथन हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फर्ड नोबेल ने किया था, ट्राई नाइट्रोफिनोल को पिकरी अम्ल भी कहते हैं, आरडीएस को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, टमाटर कैरोटीन जो कि गलत दिया गया है, टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक प्राप्त होता है जिसके कारण इसका रंग मिलता है, कैरोटीन वर्णक गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरडीएस का एक अन्य नाम है, नहीं है आरडीएस का एक नाम नहीं है, तो दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोसेल्युलोज। आरडीएस का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, इस विस्फोटक का जर्मनी में हेक्सोजन, यूएसए में साइक्लोनाइट तथा इटली में टी4 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछलियां हैं, इसमें आपका वास्तविक मछलियां हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन तथा चार, कैट फिश तथा डॉग फिश जो कि वास्तविक मछलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट प्रणोदक ईंधन और वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइनोजन। अगला प्रश्न है, एंजाइम नाम किसके द्वारा दिया गया था, एंजाइम नाम दिया गया था विलियम कोहेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं, मगरमच्छों में चार चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित हैं,
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका शासनकाल था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैश के द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस 31 अक्टूबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यूडुडर्मा मैकुलम तितिदार डैश को दिया गया नाम है? तो दोस्तों यह नाम है लोमड़ी का, ऑप्शन नंबर ए, यूडुडर्मा मैकुलम तितिदार नाम दिया गया है लोमड़ी को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकनायक के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है असम, और असम में भी कहाँ लगता है? तो गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संहिता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल राजकुमार सलीम का राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1605 का, ऑप्शन नंबर बी, मुगल राजकुमार सलीम का राज्याभिषेक हुआ था 1605 ईस्वी में। सलीम अकबर का उत्तराधिकारी था जिसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में हुआ था। उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विलयन और संबंधित विलय के बारे में सत्य नहीं है? विलयन और संबंधित विलय के बारे में सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, जब विलयन को निर्बाध रूप से रख दिया जाता है तो विलय के कण तल पर बैठ जाते हैं, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। विलय के कण प्रकाश की किरण को नहीं बिखरते या छितराते हैं। विलय के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन को निर्बाध रूप से रख देने पर भी विलय के कण तल पर नहीं बैठते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था डैश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद में स्थित है। इस किले का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडलों में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 228 सूक्त और 10552 ऋचाएं हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा में। कंबन द्वारा रचित रामायण तमिल भाषा में है। इसे रामावतरम के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।